अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो मैं आज करने वाली हूँ ये आई मेकअप लुक, जो कि है पिंकी ग्लोई आई मेकअप लुक। सो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। एंड अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं आई मेकअप लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी आई पे लगा रही हूँ ये कंसीलर, मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर। देन इस कॉम्पैक्ट से मैं अपनी आई को सेट कर लूँगी एंड अपनी आई के कॉर्नर पे कुछ इस तरह टेप लगाऊंगी और अपने ग्लैमरस फेस के आई शेडो पैलेट के अंदर से ये ब्राउन शेड मैं लूँगी, जो कि मैं अपनी आई पे लगाऊंगी। और ये कलर ऐसा ट्रांजिशन कलर होगा, सो मैं इसको अपनी क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से, जैसे कि आप देख रही हैं। सो ब्राउन शेड को ब्लेंड करने के बाद अब मेरी आई का लुक कुछ इस तरह लग रहा है। और सेम पैलेट में से मैं ये 3 पिंक शेड लूँगी, जो कि मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी और इसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी पूरी क्रीज पे, जैसे कि आप देख रही हैं। इसी तरह आपने अपनी क्रीज पे इसे ब्लेंड करना है इसी शेड्स को। ब्लेंड करने के बाद अब मैं क्लीन ब्रश ले रही हूँ और मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसे अच्छी तरह से, ताकि कोई हार्श लाइन ना आए। सो मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। ब्लेंड करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की फाउंडेशन अपनी क्रीज को कट करने के लिए, और इस तरह के फ्लैट ब्रश से अपनी क्रीज को मैं कट कर लूँगी। आपने हल्के हाथ से टाइम लेके अपनी क्रीज को कट करना है, मैंने वीडियो ज़रा फास्ट कर दी है। सो आप देखें, इसी तरह मैं अपनी हर एक की आई अलग अलग होती है, सो अपनी आई के मुताबिक अपनी क्रीज को आप कट करें। सो क्रीज कट करने के बाद मेरी आई कुछ इस तरह लगेगी। और सेम पैलेट में से ये मैं लाइट पिंक शिमरी काइंड ऑफ शेड है, सो जो मैं अपनी इनर कॉर्नर के पास जो मैंने क्रीज कट की है वहाँ प्लेस करूँगी फिंगर की हेल्प से। और ये डार्क पिंक शेड है, सो मैं इसे अपनी क्रीज पे लगा रही हूँ, जहाँ मैंने लाइट लगाया उसकी बैक पे मैं ये डार्क शेड लगा रही हूँ। सो मेरी आई कुछ इस तरह लगेगी। और इस पैलेट में से मैं लाइट पिंक एंड डार्क पिंक शेड को अपनी आउटर वी पे लगाऊंगी और अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना नज़र आए। सो इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, अब मेरी आई कुछ इस तरह लग रही है। और अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, सो मैं ये आईलाइनर लगा रही हूँ, एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी मैं इससे। आईलाइनर लगाने के बाद अब मैं ये वाइट शेड ले रही हूँ और अपने ब्रॉ बोन को इससे हाईलाइट कर लूंगी और अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी। अब ये 2 पिंक शेड्स हैं, सो मैं इसको लेके अपनी लोअर लैश पे इसे ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से। मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अपनी लोअर लैश पे और टेप रिमूव करने के बाद अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये जो मेरे पसीने की वजह से हो गया है तो इसे मैं सेट कर लूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ काजल और इसकी अच्छी सी कोटिंग अपनी काजल वाटर लाइन पर लगाऊँगी और अपनी आई को टाइट लाइन भी कर दूंगी इसी से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा और इसकी अच्छी सी कोटिंग अपनी लोअर लैशेस पे और अपर लैशेस पे लगाऊंगी। मस्कारा लगाने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेक लैशेस। सो फेक लैशेस लगाने के बाद इट्स माय फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड आल्सो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो कि है दी आमना टीवी के नाम से। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।